अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमा सैंडविच। ये देखिए, मैंने ब्रेड ले लिया है, ठीक है ना, और इसके ऊपर मैंने मायनीज लगा दी है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, ये मैंने बाहर से कुछ भी नहीं ख़रीदा कि बाहर से ख़रीद के मैं लाऊं और बच्चों के लिए बनाऊं। जो कुछ घर में था मैंने वही यूज़ करा है, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने केचप ब्रेड पे ऊपर लगा लिया है, ठीक है ना। और मैंने आज कीमा भी बनाया था, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज धुआं कीमा। ये मेरी रेसिपी में आपको मिल जाएगी पूरी रेसिपी इसकी, ठीक है ना। आप मुझे सब्सक्राइब करें। और ये देखें, कीमा मैंने ये सैंडविच के ऊपर इसको लगा दिया, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा डाला है मैंने, और फिर मैंने इसके ऊपर इसको ब्रेड को रख दिया है। रख के मैंने सैंडविच मेकर को ऑन कर लिया था, और इसके ऊपर मैंने ऑयल या बटर वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना, वो उसके ऊपर डाल के मैंने सैंडविच को बंद कर दिया है, ठीक है ना। आप ये देखें, सैंडविच तैयार हो गया है, और बहुत मज़े का, बहुत लजीज सैंडविच है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया, आप लोग भी ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको भी पसंद आएगा। और मेरी कीमे की रेसिपी भी देखें, ताकि आपको कीमे की रेसिपी मिले। और ये देखें, ये बहुत गर्म और बहुत वैसा हो रहा है, ये तो हाथ से मुझसे टूट भी नहीं रहा था, लेकिन बस मैंने तोड़ के दिखाना ही ज़रूरी समझा। ये देखें, बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज है ये, ठीक है ना। आप ज़रूर बनाएं इसको, मुझे लाइक करें, मुझे शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।